झांसी कैंटोनमेंट बोर्ड में वैकेंसी चाहिए गाइस, जो ये वैकेंसी चाहिए बहुत सारी वैकेंसी चाहिए। अगर वैकेंसीज की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पूरी वीडियो देख लेना गाइस। जो ये वीडियो है ओनली एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एंड स्किल टेस्ट के ऊपर होगी, पूरी डिटेल आपके साथ ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा गाइस। यहाँ पे मैं सबसे पहले 30 सेकंड का पार्ट यहाँ पे वैकेंसीज को ब्रीफ करने में लूंगा, क्या वैकेंसीज है, उसके बाद हम अपने मेन पैटर्न पर स्विच करेंगे। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसीज आई है, एंड यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है असिस्टेंट टीचर जूनियर असिस्टेंट स्टैनो इलेक्ट्रिशियन ड्राइवर प्योन माली एंड ड्रेसर की वैकेंसी आई है। यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे इसका सिलेक्शन कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी स्टेज में सिलेक्शन होगा। गाइज आपको इसका एग्जाम ओएमआर सीट देना है, और गाइज जब आप एग्जाम दोगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा और ओएमआर सीट आपको अलग से मिलेगी गोले भरने वाली, और जो भी आपको सही लगता है आप उस पर गोले भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के दो गोले नहीं भरने, जो आंसर सही है उसका ही गोला भरना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और 100 नंबर का एग्जाम होगा। क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे, बाकी आपको पता ही है। और गाइज एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, एक तरफ हिंदी रहेगी एक तरफ इंग्लिश रहेगी। जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना अच्छा लगता है, जो लैंग्वेज आप समझते हो उस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब गाइज पूरी वैकेंसीज के लिए जो वैकेंसीज आई है, सारी जो वैकेंसीज आई है नो डिपार्टमेंट में, इनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, लेकिन स्किल टेस्ट रखा गया है। जो स्किल टेस्ट यहाँ पे है वो जूनियर असिस्टेंट स्टैनो और ड्राइवर का है। जूनियर असिस्टेंट स्टैनो और ड्राइवर का यहाँ पे जो दो वैकेंसीज है उनमें टाइपिंग करनी है, और ड्राइवर की वैकेंसीज में जो इसका स्किल टेस्ट होता है वो ड्राइविंग से रिलेटेड होता है, आपको यहाँ पे गाड़ी चला के दिखानी है, और छोटे मोटे क्वेश्चन आपको सिग्नल के और कलर्स के आपसे पूछे जाएंगे, ये सब आपको क्लियर करना है, ठीक है। एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस दिन आपका एग्जाम होगा। गाइज यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दो असिस्टेंट टीचर और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा 8 अप्रैल को लिया जाएगा, ठीक है। 9 अप्रैल को जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे होगा प्योन का और गाइज असिस्टेंट इंजीनियर का, और गाइज जो 15 अप्रैल को एग्जाम होगा वो यहाँ पे माली एंड ड्रेसर का होगा, और बाकी जो बची पोस्ट के लिए एग्जाम होगा वो 16 अप्रैल को होगा, यानी 16 अप्रैल को आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, जूनियर असिस्टेंट का जो स्किल टेस्ट होगा वो 10 अप्रैल को होगा, स्टैनो का स्किल टेस्ट 17 अप्रैल को होगा, ड्राइवर का स्किल टेस्ट भी यहाँ पे 17 अप्रैल का होगा। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइज, जो यहाँ पे सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन सबका डिफरेंट सिलेबस है गाइज। यहाँ पे मैं सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा 3, 4, 7, 8, 9 पोस्ट के बारे में, यानी कि आपका जूनियर असिस्टेंट के बारे में, स्टैनो के बारे में, और गाइज यहाँ पे बताऊंगा प्योन के बारे में, माली के बारे में, ड्रेसर के बारे में। इनका सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा जो कि जनरल सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का ये एग्जाम होगा, और 100 ही यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, और नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम के बारे में डिस्कस करूंगा, असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में, और गाइज यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के बारे में। ऑलमोस्ट एग्जाम पैटर्न सेम ही है, लेकिन जो इनके स्किल एंड ट्रेड टेस्ट है क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिफरेंट है, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों में ही जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों में ही मैथ एंड जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे अलग क्वेश्चन है वो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल का सिलेबस है उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो टीचर का सिलेबस है टीचिंग स्किल एंड एप्टीट्यूड के यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग से रिलेटेड, और बाकी दोनों में ही इंग्लिश के यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आएंगे, याद है, क्लियर हुआ। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिशियन के बारे में और ड्राइवर के बारे में, ठीक है। दोनों में जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, मैथ और एप्टीट्यूड में यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे दोनों में ही, और यहाँ पे जो है इंग्लिश में भी यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आएंगे दोनों में ही, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम में यहाँ पे 40 नंबर का एग्जाम होगा, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और गाइस ड्राइवर में मैकेनिकल एंड ड्राइविंग स्किल के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरे आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं वैसे तो, और गाइस 100 नंबर का एग्जाम होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।